हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में अलग अलग रंग के वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। यह वजाइना को इन्फेक्शन से बचाते हैं और ड्राइनेस नहीं आने देते, लेकिन प्रेगनेंसी में यह नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है और इसके रंग में भी बदलाव आ सकता है। जहाँ रंग के कुछ बदलाव नॉर्मल हैं, वहीं कुछ इन्फेक्शन का इशारा भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं में अलग अलग कलर की डिस्चार्ज होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, ग्रीन और येलो डिस्चार्ज, ब्राउन डिस्चार्ज, पिंक डिस्चार्ज और रेड भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज में इन अलग अलग रंगों के मतलब क्या होते हैं। नंबर वन, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज। प्यूबर्टी के साथ ही लड़कियों में वजाइनल डिस्चार्ज होना कॉमन बात है। पीरियड से ठीक पहले और प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया भी कहा जाता है और यह हल्का सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई बदबू नहीं आती बल्कि बहुत ही हल्की स्मेल होती है। प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में डिस्चार्ज चिपचिपा सा हो जाता है और उसमें गुलाबी सा म्यूकस भी निकलता है। इसका मतलब होता है कि महिला का शरीर लेबर के लिए तैयार है। नंबर टू, सफ़ेद और थक्का जैसे डिस्चार्ज, यानी कि वाइट डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज सफ़ेद और बहुत गाढ़ा यानी थक्के जैसा नज़र आने लगे तो यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान फंगल इन्फेक्शन बहुत सी महिलाओं में पाया जाता है और थक्केदार डिस्चार्ज के साथ अगर आपको खुजली, जलन या पेशाब करने में पेन होने लगे तो इसके बारे में डॉक्टर से बात कर लीजिए। नंबर थ्री, ग्रीन और येलो डिस्चार्ज। ग्रीन और येलो रंग का डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि यह STD यानी सेक्स से होने वाली बीमारी का संकेत हो सकता है। वजाइना या यूटरस में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महिला के साथ ही बच्चे की हेल्थ पर भी डेंजरस प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से बात करें। नंबर फोर, ब्राउन डिस्चार्ज होना। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज में ब्राउन यानी भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वजाइना या उसके आसपास के सूखे खून की वजह से होता है और ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। नंबर फाइव, पिंक डिस्चार्ज होना। प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में गुलाबी थक्के जैसा डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि आपका शरीर अब लेबर के लिए तैयार है। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीनों में पिंक थक्के जैसा डिस्चार्ज होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज का सिग्नल हो सकता है और ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। नंबर सिक्स, रेड डिस्चार्ज होना। लाल रंग का डिस्चार्ज होना ना तो नॉर्मल है और ना ही हेल्दी है। लाल रंग का डिस्चार्ज नज़र आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लाल रंग के डिस्चार्ज के साथ अगर आपके पेट में तेज दर्द हो रहा है तो ये मिसकैरेज का सिग्नल भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी वजाइना की साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, वजाइना को साबुन से बार बार ना धोएं, इससे उसका pH बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नंबर टू, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने की सिचुएशन में पेंटी लाइनर्स पहने, इससे ज़्यादा गीलापन नहीं होगा। नंबर थ्री, नहाने और स्विमिंग के बाद जेंटल एरिया को पूरी तरह से सूखने दें और अंडरवियर सिर्फ कॉटन का ही पहने। नंबर चार, चीनी की मात्रा अपने डाइट में कम करें, क्योंकि ज़्यादा चीनी खाना फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। नंबर पाँच, ऐसे प्रोबायोटिक और फूड सप्लीमेंट लें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे को कम करते हों। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें और उन्हें अपने लक्षण के बारे में सच सच बताएं, ताकि हर तरह के इन्फेक्शन के खतरों से बचा जा सके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी में कौन से रंग का डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो को लाती रहती हूँ। थैंक यू।